भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,72,433 नए मामले सामने आए हैं, जो कल की तुलना में 6.8% अधिक है। इस दौरान 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 2,59,107 मरीज ठीक हुए हैं, वहीं पिछले 24 घंटे में 1,008 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। भारत में पिछले हफ्ते की तुलना में भले ही केस कम हुए हैं, लेकिन मौतों की संख्या तेजी से बढ़ी है। पिछले 6 दिनों में कोरोना संक्रमण से 6,656 लोगों ने जान गंवाई है। भारत में अब 15,33,921 एक्टिव केस हैं, वहीं देश में अब तक 4,98,983 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। देश में कोरोना के खिलाफ चल रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत अब तक 167.87 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत से लेकर अब तक 18 से 44 आयु वर्ग में 54 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। झारखंड में 4 फरवरी से स्कूलों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। झारखंड में कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने पूरी क्षमता के साथ स्कूलों को खोलने के आदेश दिए हैं। स्कूल आने वाले स्टूडेंट्स को माता पिता से लिखित सहमति लाने की जरूरत होगी। स्कूलों में क्लासेस के दौरान स्टूडेंट्स मास्क और दूरी जैसी नियमों का पालन करेंगे। दिल्ली में कोरोना के मामलों में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़े के अनुसार दिल्ली में कोरोना के 3,028 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 27 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि संक्रमण दर बढ़कर 4.73% हो गई है। दिल्ली में कोरोना के अब 14,870 एक्टिव केस रह गए हैं।